आपसे एक हेल्प चाहिए था यार। एक मेरा दोस्त है यार, वो बहुत गरीब है, उसके पास आलोक नहीं है, उसको दे दीजिए क्या? ठीक है, बुलाओ। अरे आप ही अपने भाई है, आ गया भाई, देखिए यही है, बहुत गरीब है बेचारा, एक आलोक दे दीजिए इसको बस। गरीब बोलता है रे, तेरा साथ साथ तेरा खानदान का अकाउंट खरीदने का दम रखते हैं, आलोक तो दूर का बात है। म्यूजिक फ्री फायर जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। अच्छा अच्छा ठीक है भैया जी, इस बार वो आलोक का बच्चा मेरे हाथ से बचेगा नहीं। आलोक का बच्चा कब होगा? हम तो मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो आलोक, उसको हम देख लेंगे। कि कौन कहता है हमें फ्री फायर ने बर्बाद किया? कि कौन कहता है हमें फ्री फायर ने बर्बाद किया? जब कोई नहीं था साथ हमारा, तो फ्री फायर ने साथ दिया था। वो भी क्या दिन थे यार, जब चार दोस्त मिलकर साथ साथ हीरोइक जाते थे। अब हीरोइक तो चले जाते हैं, बड़ो चार दोस्त कस्टम की वजह से बिछड़ गए हैं। M10 चलाता है तो घमंड मत कर, मैं भी MP40 चलाता हूँ। जितने में तू रिलोड करता है ना, उतने में दो बंदे डाउन करके छोड़ देता हूँ। MP40 वाला हूँ। अगर कोई शख्स पहले बहुत ज्यादा गेम खेलता था और अब नहीं खेल रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो नूब हो गया है। मेरी तरह ये भी हो सकता है कि वो सिंगल से मिंगल हो गया है। समझ रहे हो? उड़ता पंजाब। कोई रात भर जाग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बाबो पुच्चू मुच्चू कर रहा है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो अपना ग्रैंड मास्टर की तैयारी कर रहा है। गाइस, जो लोग सोचते हो ना मैं नोब हूँ, मैं नोब हूँ, भाई आप नोब नहीं हो भाई, आप एक इंसान हो। आपके सामने जितना भी बड़ा प्रॉब्लम खड़े हो ना, आप उसको स्ट्रेटेजी समझो, आप उसके दिमाग में घुस जाओ और देखो गाइस वो कैसे खेलता है। आप उसके ऑपोजिट में खेलो, उसको आप भी आराम से मार पाओगे। आपके दिमाग में ये होना चाहिए, वो भी एक इंसान है, मैं भी एक इंसान हूँ, आराम से मार दोगे गाइस। इसलिए आप कभी सोचना मत मैं नोब हूँ। खेलना कभी साथ में, खेलना कभी साथ में, हम सामने से वार करते हैं। खेलना कभी साथ में, हम सामने से वार करते हैं। पबजी तो बेटा बच्चे खेलते हैं, मर्द तो फ्री फायर में शिकार करते हैं। क्या बोला? रैम कम है तो फ्री फायर खेलते। क्या बोला? रैम कम है तो फ्री फायर खेलते। बेटा जिसके पास आईफोन है ना, वो भी फ्री फायर खेलता है और पीसी में भी फ्री फायर खेलते हैं। ज्यादा मत उड़ रैम रैम बोल कर, तेरा मोबाइल जितना जीबी का है ना, उससे कई गुना ज्यादा तो हम डायमंड में टॉप अप करते है। दिल टूट चुका था मेरा, दिल टूट चुका था मेरा, बट ना जाने कहां से फ्री फायर आके संभाल लिया दिल मेरा। किसी ने पूछा था, भाई तेरे GF है? मैं कहा हाँ। कितना प्यार करता है तेरे को? मैं बोला बस इतना जानता हूँ वो कभी छोड़ के नहीं जाएगी। अच्छा कौन है वो? करीना फ्री फायर। फ्री फायर में कोई कस्टम का लेजेंड है, कोई रैंक का और कोई क्लासिक का लेजेंड है। और भाई पबजी में, पबजी में भाई वो तो सिर्फ घास में लेटने के लेजेंड है। फ्री फायर का सबसे मजेदार चीज जो कि है कस्टम, लगभग सभी के पास होता है, बट देता कोई नहीं, छुपा के रखता है साले। मैंने जैसे एक बॉडी शॉट वाला वीडियो अपलोड किया, एक नल्ले का कमेंट आया कि वो बोल रहा है जिसे हेडशॉट मारना नहीं आता, मैं उसके साथ खेलना तो दूर, रिक्वेस्ट तक एक्सेप्ट नहीं करता। बेटा जाके एक बार मेरा आईडी चेक कर ले, मैं कहां का 81 लेवल का बंदा और तू 71 लेवल का बंदा, तेरे से 10 गुना ज्यादा है। हमें मालूम है कि हम कस्टम अकेले खेल नहीं पाते, मेरे दोस्त लोग मेरे साथ खेलने जाते हैं, इसीलिए मैं उन सबको प्रो कहता हूँ, क्योंकि साले कमीने वहाँ पे भी मेरा नाक कटा के रह आते हैं। पबजी के बॉट सुन, जिस रैम का तू फोन लेके इतना उछल रहा है ना, वो मेरा आईडी का भी टक्कर नहीं ले सकते। और तू फोन की बात कर रहा है, बक जाले, बक जाले। नूब सुनने के बाद बड़ा गुस्सा आता है ना, बट क्या करे, एक प्रो भी बहुत मेहनत के बाद नूब से प्रो बनता है। तो यार आप भी नूब सुनने के बाद डिप्रेस या फिर गुस्सा मत होना, उसको दिखा देना मेहनत करके, प्रैक्टिस करके और बेहतर, ठीक है ना? अरे किसी का फैन होना कोई गंदी बात नहीं, एक अच्छी बात होती है।
और मैं राइस्टार का फैन हूँ तो इतनी ही फट रही है। जब राइस्टार जैसा हो जाऊंगा तो कितना फटेगा, सोचने की बात है। मैं और मेरा फ्री फायर एक दूसरे के साथ बहुत खुश है, मगर मेरा गर्लफ्रेंड इस रिश्ते के सख्त खिलाफ है। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो क्लैश स्क्वाड पे जाकर एलिमिनेट होकर लाइक बनाते हैं। सही है, ये लोग प्रो तो नहीं बन सके, इसीलिए लाइक बनाकर ही खुद को प्रो समझ रहे हैं। ओ बुरा लगा। बहुत लोग कस्टम जीतने के बाद खुद को अल्ट्रा प्रो समझते हैं और शो अप करते हैं। भाई ये भी तो हो सकता है ना कि सामने वाले बंदे का इंटरनेट ही खराब हो। हेलो गाइस, ये रहा मेरा स्क्वाड। अगर कोई कस्टम खेलने के लिए चैलेंज कर रहा है तो मत करो, क्योंकि हम लोग बॉट है, सच्ची में हम लोग बॉट है, हार जाएंगे मैच। अरे भाई सुने, कुछ बोल नहीं रहे यार, इसे कुछ बुलवाना। हम क्या बोलवा, खुद बुलवाओ। अच्छा ठीक है, हम ही बुलवा लेते हैं। हेलो आयुषी, हेलो हेलो, कुछ तो बोल दो यार। हेलो, हाँ बोलो। बस यही सुनना था, कॉन्टेक्ट नंबर दोगे क्या? मेरा ले ले भाई, उससे क्या मांग रहा। तेरा क्यों लूंगा यार, क्योंकि वो मेरी बहन है। भैया पर नाम कहाँ रहता है, कहाँ रहता है, हमसे कॉन्टेक्ट नंबर ले। दिल तो हमारा साफ है, बस कपड़े ही हमारे काले हैं। कि दिल तो हमारा साफ है, बस कपड़े ही हमारे काले हैं। और ये प्यार मोहब्बत हमसे नहीं होता, क्योंकि हम फ्री फायर वाले हैं। भाई हम फ्री फायर वाले हैं, हमें ना दो चीज सबसे ज्यादा खुशी देती है, एक है लो पिंग और दूसरा है कस्टम का इन्विटेशन। समझ रहे हो? मैंने जैसे एक वीडियो अपलोड किया, एक पबजी वाले नल्ले ने कमेंट किया, वो बोल रहा है बेटा तुम्हारा गेम कार्टून है क्योंकि तुम कस्टम में ग्लोबल यूज करते हो। तो सुन, हम लोग तेरे जैसा चूड़ी छुपी का गेम नहीं खेलते, हम लोग लीडर होके खुल्लम खुल्ला खेलते हैं। और हम लोग के पास इतना चैलेंज है, हम लोग अकेला एक स्क्वाड को सुला देते हैं और तुम लोग चूड़ी छुपी का गेम खेलते हो, साला नूब का वाला। अगर किसी का केडी कम होना तो उसे नूब बोलकर हंसो मत, ये हो सकता है कि उसका डिवाइस खराब है, या ये भी हो सकता है कि उसका फैमिली प्रॉब्लम है, या मेरी तरह ये भी हो सकता है कि उसने गर्लफ्रेंड पटा लिया। न सच्चा प्यार है न BMW कार है, कि न सच्चा प्यार है न BMW कार है, फिर भी जिंदगी में खुश हूँ क्योंकि मेरे साथ खड़े मेरे करोड़ों के यार हैं। उड़े परिंदे यार है मेरे जिगरी। वक्त का इंतजार करो, तुम्हारी मुलाकात हमसे ही होगी। जिन्होंने ब्लॉक कर रखा था वो फिर से बात करना चाहते हैं। जरूरत नहीं है, जुनून ऐसा है कि रेगिस्तान में बाग लगा दूंगा। जुनून ऐसा है कि रेगिस्तान में बाग लगा दूंगा, तुम मेरी गलती बताते रहना, मैं जमाने में आग लगा दूंगा। मैं अपनी तारीफ खुद करता हूँ, क्योंकि मेरी बुराई करने का ठेका तो दुनिया वालों ने ले रखा है ना। के चलो मान लिया के डॉलर हो तुम, फूटी कोडी हैं हम, और पूछती है कि मेरा फोन क्यों नहीं उठाते। अबे आसिक हैं, गुलाम थोड़ी हैं हम। जो अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, उन्हें हम कुछ नहीं समझते। हम प्यार में बाबू सोना वाली बकवास नहीं बकेंगे, क्या लड़कियों की गुलामी ना हम नहीं कर सकेंगे। अरे मोहतरमा ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि हम तो आज भी आपको वेटिंग में ही रखेंगे। गुड मॉर्निंग। मेरे सिवा जो तुझ पे मरे, खुदा करे कुत्ते की मौत मरे। लॉक ऑन। तू कौन? पापा की परी। तो मैं माँ का मगरमच्छ। और कैसे हो मेरी जान यार, बहुत याद आ रही थी तुम लोगों की। आई लव यू मेरा बाबू सोना जानू। बाबू सोना जान मान तो जीएफ को बोला जाता है, लेकिन मेरे लिए तो मेरी जान मान बाबू सोना सब मेरे दोस्त ही है। मैं अपनी तारीफ खुद करता हूँ, क्योंकि मेरी बुराई करने का ठेका तो दुनिया वालों ने ले रखा है ना। ए दोस्त, तेरी दोस्ती के लिए दुनिया छोड़ दूंगा, अगर तूने साथ छोड़ा तो तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। हम आंखों से सुरमा नहीं चुराते, हम आंखें ही चुरा लेते हैं ताकि सुरमा लगाने की नौबत ही ना आए। ना किसी के गम में रोते हैं, ना किसी के प्यार में खोते हैं, हम तो सिंगल लोग हैं जनाब, 1.5 GB डेटा खत्म करके सोते हैं। बाय। हाँ भाई।
रूठे हैं वो इस कदर बाबा, जैसे हम सच में मना लेंगे बाबा। रूठे हैं वो इस कदर बाबा, जैसे हम सच में मना ही लेंगे यार। अरे इतना वक्त कौन जाया करे, इतने में हम दूसरी पटा लेंगे। हम चुप बैठे हैं तो आजकल छोटे छोटे बच्चे शोर मचाने लग गए, पर जो करना है कर लेने दो, क्योंकि हमें पता है जेब में 2000 का नोट नहीं सिक्के ही शोर करते हैं। साला 2021 का तो लोग ऐसे इंतजार कर रहे हैं जैसे 31 दिसंबर को कोरोना रात 12 बजे आके बोलेगा, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना। जब भी अपने दोस्तों को आजमाना हो ना, सिर्फ एक आवाज देना, मेरी लड़ाई होगी ओए पिंकी का नंबर कौन लेगा। मुझसे टकराओगे बहुत पछताओगे, जहाँ से आए हो ना वहीं चले जाओगे। माना जी यान ताकतवर है, सुनियो पैसे वाला है, देखी सूगी दिमाग वाला, लेकिन एक बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, नोबिता से ज्यादा शिजुका को कोई प्यार नहीं कर सकता। अरे देखो भैया देखो कौन आए हैं, आप सबकी फरमाइश पे बजरिया थाने से चुलबुल पांडे सुपर कॉप। गुलाम बनकर जियोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी दुनिया, और नवाब बनकर जियोगे तो शेर समझकर सलाम ठोकेगी दुनिया। दम कपड़ों में नहीं जिगर में रखो, बात कपड़ों की होती। होकर किसी और की तू मुझे खुश रहने का ज्ञान न दे, होकर किसी और की तू मुझे खुश रहने का ज्ञान न दे, तू अपने आशिक का ख्याल रख, हमारे ऊपर ध्यान। आज जिंदा हूँ तो कदर कर लो मेरी, क्या पता कल तुम मर जाओ। मेरे पेरेंट्स को तुम पसंद नहीं, फिर भी मैं तुम्हारे लिए अपने पेरेंट्स से लड़ रहा हूँ, बिकॉज आई लव यू सो मच माई मोबाइल। मशहूर होने का शौक नहीं है, लेकिन क्या करें, लोग नाम से ही पहचान लेते हैं। जान ही लेनी थी तो मांग कर ले लेती पगली, जान ही लेनी थी तो मांग कर ले लेती पगली, यू बिना मेकअप के आने की क्या जरूरत थी। चलो मान लिया मैं बच्चा हूँ, थोड़ा सा कच्चा हूँ, लेकिन अपना भी एक वसूल है जनाब, किसी से पीछे नहीं हटता हूँ। भाई स्कूल में सबसे ज्यादा शर्म कब आती थी, जब लड़कियों के झुंड के सामने से निकलना होता था। सामने में